इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। हम लोगों ने जब गॉस लॉ नहीं पढ़ा था तो भी इसका प्रूफ निकाला था, वो फॉर्मूला आप बताएंगे इसका कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इससे कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं आर डिस्टेंस पर, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी थी लेमडा कूलम पर मीटर, है ना। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था पिछली कैलकुलेशन के हिसाब से, 2k लेमडा बाई डी। ये डी क्या था, डिस्टेंस, इस आर की जगह डी कर देते हैं, जान रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर थी रवि, इसकी किधर, सरफेस से आउटवर्ड, ऐसे बॉटल ब्रश के रूप में बताया था ना, बॉटल साफ करने वाला ब्रश ऐसे निकले होते ना, ब्रश नहीं निकले थे चार बॉटल ब्रश, दूध की बोतल साफ करते हैं, टेस्ट ट्यूब क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर तो नहीं समझ में आ गई बात ना जो बताना चाह रहे हैं, वो ऐसे रहता सब ऐसे खटाखट निकले रहते ना चारों तरफ, सीधे वाले, सीधे वाले, ठीक। ये फॉर्मूला आया था, अब हम लोग गॉस लॉ की मदद से इसको करेंगे, देखिए कितनी सुंदर तरीके से प्रूव होगा ये। अब गॉस लॉ का पहला फंडा क्या होता है, एक गॉसियन सरफेस तैयार करना, और कैसी गॉसियन सरफेस मानना, जो सिमेट्रिक फॉर्मेशन करे, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया से, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में बदलाव कम से कम हो, ये सिमेट्री का मतलब है, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिलेंडर ले लेंगे, यहां से जाने वाला बड़ा सिलेंडर इधर फैल ना पाएगा, ये समझ लो ये सिलेंडर ले लिया, दिख रहा सिलेंडर, ये गॉसियन सिलेंडर, सिलेंडर ठीक। अब सिलेंडर में हमारे पास एरिया में दो ही लफड़े हैं, एक तो कर्व सरफेस, दो ढक्कन, टॉप बॉटम एंड कर्व सरफेस, यही तो चेंज है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है ई, और एरिया वेक्टर क्या है, इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इस इन दोनों के बीच में थीटा कितना आ गया, जीरो, बहुत सुंदर। यहाँ एरिया वेक्टर किधर है, ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, परपेंडिकुलर इधर, तो थीटा हो गया 90, यानी काम खत्म, यहाँ जाएगा नहीं, सेम सिचुएशन यहाँ, आ रही बात समझ में। अगर हम गॉस लॉ लगाने चलें, है ना, तो गॉस लॉ अगर लगाने चलें तो फाई नेट इज इक्वल टू क्लोज सरफेस के लिए ई डॉट डी ए, और दिस मस्ट बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू इस क्लोज सरफेस को हम तोड़ेंगे, तो आपको तोड़ने का तरीका बताया था, सरफेस वन, सरफेस टू, सरफेस थ्री, ऐसे तोड़ते हैं ना, तो इसको हमने लिख दिया कर्व सरफेस समझाने के लिए, मुड़ी हुई वाली, है ना ब्राजी। दूसरे को तोड़ देते हैं टॉप में, टॉप ऊपर वाला है, और तीसरा तोड़ देते हैं बॉटम में, अरे बात समझ में। यहां वैल्यू लिखी कर्व सरफेस में, तो लिखा ई डी ए और कॉस जीरो, और यहां लिखा ई डी ए कॉस 90, तो ये वैल्यू हो गई जीरो, और इसी तरह ये वैल्यू भी हो गई जीरो, आप समझ तो पा रहे होंगे मेरी बात, 90 यहां भी बनाए, एग्री करते, आगे बढ़े हम लोग। कर्व सरफेस में ई हर जगह सेम है इसके लिए, है कि नहीं सेम, क्योंकि आर डिस्टेंस में है ना, तो ई अगर सेम है तो ई आ गया बाहर, ठीक। और ये वैल्यू बनी कितनी, डी ए, ये वैल्यू बन गई। अब ये डी ए की वैल्यू कितनी आने वाली है, यहाँ 2πRH, दिख रहा है ना 2πRH, कर्व सरफेस एरिया बोला करते थे उसको, बात पकड़ में आती। तो ये वैल्यू किसके बराबर है हमारी, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया ई इंटू 2πR की जगह डी ले लें, डी एच, और क्यू इनक्लोज्ड का मतलब है
एक मीटर पे लैम्डा है तो डी मीटर पे कितना चार्ज है, डी लैम्डा, पकड़ पाते ना, तो डी लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या कटा, एच, सॉरी ये एच हाइट तो एच लिए ना, तो ये होगा एच लैम्डा या एल लैम्डा जो भी बोलो, ये हाइट हाइट कट गई तो वैल्यू क्या निकल गया, ई इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक है। अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे तो ऊपर 2 कर दोगे, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते हो, के, तो 2 के लैम्डा अपॉन डी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका आ गया जो आपने इंटीग्रेशन वगैरह लगा के किया था, याद आ रहा है, बहुत उसमें एंगल एंगल लगाए थे, तगड़ा प्रूफ था ना उसके, शानदार प्रूफ, तो इंटीग्रेशन के मेथड से था, वो भी आना चाहिए, एग्जाम में लिख के आ जाता है कि विदाउट गॉस लॉ प्रूफ कीजिए उसको, और ये गॉस लॉ से आएगा तो ये तो मक्खन है बिल्कुल, ये समझ में आ रहा ना क्या हुआ यहाँ, ये कोई टेंशन नहीं देता आपको, देखिए दो लाइन में हो गया, नोट करिए फिर एक और बनाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को हो रही हो तो बताइए क्या है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ या गॉस थ्योरम।